नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे साथ वेलकम है जीके राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, और कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होगे। मेहनत करो, पढ़ाई करो खूब जम के बेटा, क्योंकि सबसे जरूरी है स्टडी करना। स्टडी करते रहोगे सफलता आएगी। जहां पढ़ाई रुकी मामला वहीं बेकार हो जाएगा बेटा। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ये तुम्हारा मकसद होना चाहिए। बाकी पढ़ाना कैसे है वो मेरा काम है, वो हम लोग जानते हैं। कैसे आपको पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, आपको बस एक ईमानदारी रखनी है, और वो ये कि टाइम से पढ़ाई करते जाना है, समय से जुड़ना है, पढ़ना है और खूब प्रैक्टिस करनी। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, गारंटी है जब मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ये कहा जाता है कि एक बार इंसान अगर मन बना ले तो बड़े से बड़ा काम कर सकता है। बहुत ही आसान चीज है, ईमानदारी से बस पढ़ना है, अपने माँ बाप को ध्यान में रख के पढ़ना है। मैं हर बार एक बात कहता हूँ, ये ध्यान रखना कि जो तुमको पढ़ा रहा है उसने अपनी सारी जरूरतों को मारा है और तब तुमको पढ़ा रहा है। क्योंकि अगर वो आज के ज़माने में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लगेगा ना, तो तुम्हारे पढ़ाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे बेटा, एक मिडिल क्लास फैमिली को। इसलिए ध्यान देना बच्चा कि खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, परिवार का नाम रोशन करो, सबको तुम पे विश्वास रहे, सब तुम पे गर्व करें, ये ध्यान रखना बेटा। क्योंकि मरने को रोज करोड़ों लोग मरते हैं, हजारों लोग मरते हैं, लेकिन नाम किसी का कोई नहीं याद रखता। वहीं अगर अभी अचानक भगवान न करे अमिताभ बच्चन मर जाए तो देख लेना पूरी दुनिया बैठ के शोक मनाएगी उस इंसान की। इसलिए बेटा ध्यान रखिएगा, जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत मरे और भी बहुत सारे लोग मरे होंगे उस दिन, लेकिन किसी को नहीं पता कौन मरा। वहीं सुशांत सिंह राजपूत मरे तो उनके लिए पचासों हजारों लोग कितने उदास हुए। न्यूज चैनल लगातार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ध्यान रखना दोस्तों, बात उसी की होती है जिसमें कुछ दम होता है। परिंदे तो रोज उड़ते हैं और दिया की लौ में जल के मर जाते हैं, कोई पूछने नहीं जा रहा। ये ध्यान रखना दोस्तों कि बात उसी की होगी जिसमें कोई दम होगा। अदरवाइज तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग पड़े हैं जो रोज मेहनत कर रहे हैं और पड़े हुए, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना बेटा। चलिए पढ़ाई की शुरुआत करेंगे आज फिर से अगले कुछ बेहतरीन 10 से 11 सवालों के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। कोशिश करूंगा आज कुछ और टॉपिकों पर काम किया जाएगा, देखा जाएगा कैसे सवाल पूछे जाते हैं, हमारी तैयारी कितनी है आपको भी चेक करना है और खूब जम के मेहनत करनी है सवालों के लिए। जितनी मेहनत करोगे उतने ही आगे बढ़ोगे, यही सच्चाई है दोस्तों। चलिए शुरुआत करता हूं मैं आपके सामने। आपका पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, ये एक डायरेक्शन का सवाल है दोस्तों। कह रहा है एक खेल के मैदान में सभी खिलाड़ी केंद्र से एक समान दूरी पर खड़े हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि सभी के सभी जो दोस्त हैं, ये मान लो एक मैदान है जिसमें सभी लोग केंद्र से समान दूरी पर खड़े हैं, ये ध्यान रखिएगा भैया। और रामू पश्चिम दिशा में खड़ा है, रामू जो है वो यहां पर हैं, ठीक है ना? ये है रामू, ये हो गए रामू। आगे बढ़ते हैं, कहा गया और भजी एक लड़का है, भजी रामू से 135 अंश दक्षिणावर्त दिशा में खड़ा है। मैंने पिछली वीडियो में भी इस बारे में जिक्र किया है कुछ वीडियोस में कि दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी राइट हैंड साइड पर। तो ध्यान देना दोस्तों, यहां से क्लॉकवाइज दिशा में दक्षिणावर्त दिशा में कितने अंश हैं बेटा? तो देखिए 135 अंश, कहने का सेंस 90 + 45, यानी यहां पर कहीं इस जगह पर कौन खड़ा है? तो भजी खड़ा है। कौन खड़ा है? भजी। आगे बढ़ते हैं, कामथ रामू से 135 अंश वामावर्त दिशा में है। देखिए भैया 135 अंश वामावर्त, तो वामावर्त का मतलब ये दिशा, ये हो गया कौन भैया? तो कामथ हो गया। आगे बढ़ते हैं, किशोर भजी से 45 अंश वामावर्त है। ध्यान दीजिएगा भैया, किशोर जो है, किशोर नाम का एक लड़का है, वो भजी से
45 अंश वामावर्त, तो ध्यान दीजिए भजी यहां पर है, इसका दक्षिणावर्त और वामावर्त आपको समझना है, तो यहां से दक्षिणावर्त ये होगा, वामावर्त इधर होगा, 45 अंश यानी कि ये हो गया दोस्तों, यहां पर खड़ा है कौन, किशोर खड़ा है, ये रहा किशोर, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, कहा गया है किशोर और कामत के बीच न्यूनतम कोण कितना है, यही बताना है, किशोर यानी इनके और इनके बीच का मिनिमम कोण, कम से कम, तो ध्यान से देखो बेटा, यहां से इस जगह से ये वाली लाइन से, देखिए थोड़ा डार्क कर देता हूं, इस लाइन से इस लाइन का कोण निकालना है, जो डार्क लाइनें हैं देख रहे हैं आप, देखिए यही निकालना है, तो चाहे आप ऐसे निकालिए चाहे आप ऐसे निकालिए, लेकिन न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम का मतलब ये वाला निकालना है, देखिए ये वाला जिसको मैं मोटा कर रहा हूं, ये वाला निकालना है कोण, ठीक है, ये कोण कितना हो जाएगा, तो देखिए भैया ये हो गया 90 अंश यहां तक और यहां से 45 अंश और, यानी कि 135 अंश, यह आपका सही जवाब है, कितना, 135 अंश, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 135 अंश ही सही आंसर होगा दोस्तों इस प्रश्न का, यही हमारा सही जवाब है, 135 अंश, कुछ नहीं करना था, बस जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे मैंने दिखाया, जैसे देखिए दोस्तों इसने क्या कहा था कि सभी खिलाड़ी केंद्र से समान दूरी पर हैं, ये केंद्र हो गया यहाँ पर, इस केंद्र से सब के सब समान दूरी पर थे, इस केंद्र से रामू पश्चिम इस केंद्र से जो रामू है वो पश्चिम दिशा में है, तो सीधी सी बात है पश्चिम दिशा ये होती है, तो रामू यहां आ गए, बोला गया इनके दक्षिणावर्त 135 अंश पर भजी खड़ा है, देखिए ये रहा भजी खड़ा है, और भजी से 45 अंश वामावर्त पर किशोर खड़े हैं, देखिए ये किशोर हो गए, और बोला गया था कि रामू से वामावर्त 135 अंश पर यहां पर कामत खड़े हैं, तो बताना था कि किशोर किशोर और कामत के बीच का न्यूनतम कोण क्या होगा, तो न्यूनतम कोण यही है दोस्तों ये वाला, तो ये कोण देखिए आप भी समझ रहे होंगे 90 अंश और 45 और, तो टोटल मिला के ये कितने हो गए 135 अंश, यही हमारा राइट आंसर है इस प्रश्न का, 135 डिग्री, ठीक है दोस्तों, पॉइंट समझ में आ गया होगा, डायरेक्शन का सवाल है, कई बार एग्जाम में आया है ये प्रश्न, बहुत बार पूछा गया और इसीलिए मैंने आपके सामने रखा है। देखिए एक और सवाल, ये सवाल शायद मैथ रीजनिंग के सबसे बड़े सवाल होते हैं, इनका नाम होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखिए इसमें क्या कहा गया है, यदि प्लस को डिवाइड की तरह लिखा गया है, देखिए प्लस को किसकी तरह लिखा गया है भाई, तो प्लस को लिखा गया है डिवाइड की तरह, किसकी तरह, डिवाइड की तरह। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से देखिए मल्टीप्लाई को प्लस की तरह लिखा गया, मल्टीप्लाई को प्लस की तरह लिखा गया है, इसी तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई, माइनस को मल्टीप्लाई लिखा गया और डिवाइड को माइनस लिखा गया। देखिए यहां इसने बता दिया है, यहां इसने बताया कि जहां प्लस होगा उसकी जगह डिवाइड रख देना, जहां मल्टीप्लाई होगा उसकी जगह प्लस रख देना, जहां माइनस होगा वहां मल्टीप्लाई कर देना, और जहां डिवाइड होगा वहां माइनस कर देना, ये दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण सही है, देखिए सही समीकरण बताना है, कौन सा समीकरण सही है, यही प्रश्न है। कहने का सेंस दोस्तों कि एक एक करके विकल्पों को चेक करना है कि कहां पर LHS is equal to RHS आता है, यही देखना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कहने का सेंस देखिए, मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, ऑप्शन नंबर ए को लिया जाए, ये है 70 मल्टीप्लाई 12 प्लस 30 डिवाइडेड बाई
15 माइनस 24 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए, है ना, इज इक्वल टू 35 आना चाहिए। चलिए पहले चिन्हों को बदलते हैं। तो देखिए यहां मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के लिए है प्लस 1 प्लस 12। अब देखिए प्लस यहां है, तो प्लस के लिए यहां क्या है, डिवाइड, तो डिवाइडेड 30। ठीक है दोस्तों, डिवाइड यहां आया है, डिवाइड के लिए है माइनस, और माइनस के लिए है मल्टीप्लाई। ये आपका पूरा हो गया सवाल। अब इसको सॉल्व करना है, तो एक बात का ध्यान रखना है, यहां पर हम लोग बोडमास रूल को यूज करेंगे, डी एम ए एस। डी से मतलब पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस होगा, ये ध्यान रखना है, इसी को लगाना है, इसी रूल पे सॉल्यूशन होगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम डिवाइड किया जाए इनको, तो डिवाइड जब करने जाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 12/30, ये कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं यानी कि आपका जो वैल्यू आएगा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, यानी भिन्न में आ जाएगा। और देखिए हमारे पास यहां भिन्न नहीं है, देखिए यहां भिन्नात्मक मान नहीं है, इस वजह से पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। रीजन, क्योंकि सॉल्यूशन करने पर पता चल रहा है कि सर इसका मान भिन्न में आएगा, क्योंकि देखिए 2 × 12 = 15 है ना, 3 × 6 = 3, तो देखिए बटे 5 आया, तो रिजल्ट में भी 5 आएगा बटे में, लेकिन चूंकि देखिए इसका रिजल्ट कुछ भी कर लेंगे आप, नीचे 5 जरूर आएगा, और हमारे यहां पर 5 है ही नहीं नीचे, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, यानी ये सही नहीं है दोस्तों। अब फटाफट दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, जल्दी से चेक किया जाएगा, दूसरा ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों, 64 × 41 + 29 − 23 = कितना आना चाहिए, 164 आना चाहिए, कितना चाहिए, 164 आना चाहिए। चलिए देखा जाए, तो पहला काम चिन्हों को बदल लें, तो 64, अब देखिए डिवाइड है, तो डिवाइड हो गया माइनस के लिए 16, मल्टीप्लाई प्लस के लिए 41, प्लस है किसके लिए, डिवाइड के लिए। अब देखिए दोस्तों, यही मामला गड़बड़ है, ठीक है ना, और माइनस हो गया मल्टीप्लाई 23। अब एक चीज देखो दोस्तों, इसको अगर पहले काम करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, 41/29, ये कटेंगे ही नहीं, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, यानी इसका भी मान भिन्नात्मक आएगा, और भिन्नात्मक अगर आएगा तो इस वजह से दूसरा ऑप्शन भी गलत हो रहा है, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अब तीसरा ऑप्शन चेक किया जाएगा कि तीसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं, सी ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग, सी में है 19/12 − 65 − 13 + 18 इज इक्वल टू कितना है, 50 है। जरा बदल के देखा जाए दोस्तों, तो डिवाइड की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 19 − 12, मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस हो जाएगा 65, माइनस की जगह पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस की जगह पर डिवाइडेड हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, 13/18 हो जाएगा सॉल्यूशन के दौरान में, फिर से वही बात है कि ये कटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं यानी मान फिर से भिन्नात्मक आएगा, और इस वजह से सी ऑप्शन भी गलत हो रहा है, सी ऑप्शन भी आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये भी गलत हो रहा है, तो आगे देखा जाए, कुछ और सोचा जाए। अब जैसे देखिए दोस्तों, अगर इसको सॉल्व किया जाए, ठीक, तो चलिए देखते हैं, चौथे ऑप्शन पे आते हैं, ये है 70 − 15 + 12 × 20 / 11 और इज इक्वल टू कितना है, 30 है। चलिए दोस्तों देखा जाए, इसको जरा सॉल्व किया जाए, 70 माइनस के लिए हो जाएगा मल्टीप्लाई 15, प्लस के लिए हो जाएगा डिवाइड 12,
देखिए मल्टीप्लाई के लिए फिर से आ, सॉरी देखिए माइनस के लिए मल्टीप्लाई था, ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए हो गया प्लस 20 और डिवाइड के लिए हो गया माइनस 11। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए ये हो जाएगा 70 × 15/12 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 11 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो देखिए ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 4 से अगर इनको काटा जाए तो 4 × 1 = 4, 3 × 4 = 4, 7 = 28, कटने वाला तो नहीं है यार, कटने वाला तो नहीं बन रहा है। अच्छा तो एक काम कर लेते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें कोई सेट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले डिवाइड होगा तो 15/12 हो गया, 12 × 70 आ गया, ठीक है, 20 और 11, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं, शायद कहीं कुछ एरर हो रही है, चेक कर लिया जाए कहां पे गलती हुई है, वहीं से बात समझ में आएगी। डी तो नहीं सेट हो रहा है ना, 15/12 हो गया, 4 हो गया, ये कटने वाला तो है नहीं, हाँ ये तो नहीं है बेटा, ये तो नहीं जा रहा है। चलिए एक बार ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं, शायद चांस हो सकता है ऑप्शन ए में, मे बी बन सकता है, देख लिया जाए एक बार, शायद बात बन जाए। चलिए देखते हैं तो 70, ठीक है, पहले मैं ऑप्शन अब ए ले रहा हूं फिर से, ठीक है ना, डी तो नहीं होगा, डी तो नहीं हो रहा है, पहले ऑप्शन अब एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। देखिए इस समय समय लगता है भाई, मल्टीप्लाई प्लस 12, प्लस के लिए डिवाइड कर लो, 30 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में देखा जाए तो ये हो गया, अब डिवाइड के लिए आ गया माइनस 15, ठीक है, और माइनस की जगह पर मल्टीप्लाई बाई 24 हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर ले एक बार जरा, तो 70 + 12/30 माइनस, अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लो, तो इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 4 = 60, ठीक है ना, 15 × 2 = 30 और 6 = 36 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये देखा जाएगा तो देखिए अपने सामने यहां तक तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब इसके बाद इसका एलसीएम अगर हम लोग ले लें तो ये हो जाएगा 2100 + 12 - हाँ कितना हो जा रहा है, 300 × 3 = 18, 3 × 9 = 10/30, है ना। तो अगर इसको देखा जाए तो कटने वाली संख्या तो नहीं आ रही बेटे, सवाल कहीं ना कहीं कुछ एरर है, ये भी गलत है, 100% गलत होगा, क्योंकि कटेगा है नहीं, और कटेगा नहीं तो कहीं ना कहीं सवाल रॉन्ग है, ये ध्यान रखिएगा। या तो यहां एक ऑप्शन लिया जाए, यहां एक ऑप्शन ले लिया जाए, नन ऑफ दीज, क्या ले लिया जाए, नन ऑफ दीज, तो बात बन सकती, नन ऑफ दीज लिया जाए और कहा जाएगा सर इनमें से कोई भी सही नहीं है, यही इसका सही जवाब बेटा। देखिए कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो समय लेते हैं, यानी नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा और यही मान्य होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ा जाएगा, बहुत समय लिया सवाल ने, आगे बढ़ते हैं तुरंत अगले सवाल पर। यह रहा अपना अगला प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से सवाल का जवाब देंगे क्या होगा इसका आंसर, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है दोस्तों। देखिए क्या कहा गया, ग्रुप GROUP इसको लिखा गया है RGOPU लिखा गया है, तो बताना है कि एबव ABOVE को क्या लिखा जाएगा, यही प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से जवाब देंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है, जल्दी से इस सवाल का जवाब देंगे, बहुत ही बढ़िया सवाल और बहुत ही आसान सा सवाल आपके सामने है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। देखिए आंसर आने लगा होगा बच्चों का, देखिए ये हो गया, दोनों को आपस में बदल दिया, इनको सीधा लिख दिया, इनको क्रॉस कर दिया, है ना, यही किया गया है बस और कुछ नहीं किया गया। तो यही काम इधर भी कर दीजिए, इनको क्रॉस कर दीजिए, इनको सीधा लिख दीजिए, इनको क्रॉस कर दीजिए, तो ये हो गया BAV, यहां हो जाएगा O, क्या हो जाएगा O, और यहां हो गया E और V। ऑप्शन चेक करिए, जहां ये मिल जाएगा वही सही जवाब है, BAO EV, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है दोस्तों, इसको नोट करें, जल्दी से नोट करके तुरंत अगले सवाल पर हम लोग चला जाएगा। जल्दी से फटाफट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न अपने स्क्रीन पर ये रहा, देखिए ये रहा आपका सवाल अगला, बताना है, देखिए हाँ बताना है 64 का जो संबंध 8 के साथ है वही संबंध किसके साथ 125 का होगा। यही सवाल है दोस्तों आपके सामने, बताना है 125 का वही संबंध किसके साथ होगा जो संबंध 8 का 64 के साथ है। अब देखिए दोस्तों, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये 8 का स्क्वायर है, कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो 8 का स्क्वायर है, तो बेटा अगर यहां 125 का स्क्वायर करने जाओगे तो बहुत ऊपर लगभग 10,000 से ऊपर की वैल्यू आएगी, 10,000 से ऊपर की वैल्यू आएगी जो आपके पास ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। यानी स्क्वायर वाला नियम तो गलत है, ये नियम तो काम नहीं आने वाला, ये गलत नियम है। चलिए कुछ और सोचिए, जल्दी से सोचा जाए इस पे और काम किया जाए कि ये क्या हो सकता है। तो देखिए किसी की बुद्धि अगर चली हो इतनी देर में, सर समझ में बात आ गई होगी कि देखिए दोस्तों 8 से 64 कैसे आएगा, मल्टीप्लाई बाई 8 कर दीजिए ना, मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो भी 64 आ जाएगा। अब चूंकि यहां मल्टीप्लाई बाई 8 हुआ तो यहां भी मल्टीप्लाई बाई 8 कर दीजिए दोस्तों, यहां भी मल्टीप्लाई बाई 8 कर दीजिए, तो जब 8 करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16, 4 = 20 और 8 + 1 = 2 = 10, कितना आ गया 1000, कितना आया 1000। देखिए ऑप्शन नंबर सी को चेक करिए, 1000 दिया हुआ है, बिल्कुल यही सही रिलेशन है कि भैया जो संबंध इनका इनसे था वही संबंध 125 का किसके साथ हो गया, 1000 के साथ हो गया, यही हमारा सही आंसर है इस प्रश्न में, कोई डाउट नहीं, ये बिल्कुल सही आंसर होगा कि सर 1000 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, पॉइंट समझ में आ रहा होगा अच्छे से अब, क्योंकि देखिए दोस्तों ऐसे सवाल भी मिलते हैं जो बहुत आसान होते हैं, जिनमें एक लॉजिक न काम करे तो तुरंत दूसरा लॉजिक लगाया जाता है, वन बाय वन सीक्वेंस को बढ़ाया जाता है। और देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी बड़े सवाल मिले, जैसे इसके पहले एक सवाल था जो बहुत बड़ा सवाल था मैथमेटिकल ऑपरेशन का, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, काम करते रहना। कई बच्चे क्या होता है जब कठिन सवाल मिलता है तो फट से गायब हो जाते हैं, ये बेवकूफी है, इससे यहां तो काम चल जाएगा लेकिन बाद में कोई काम नहीं चलेगा, ये जान लेना। एग्जामिनेशन हॉल में आ गया तो वहां करना ही पड़ेगा, और अगर छोड़ोगे तो कितने सवाल छोड़ोगे, 1, 2, 5, 10 कितना छोड़ दोगे, है ना। तो छोड़ने की आदत डालिए, आगे बढ़ने की आदत डालिए, सवाल को अटेम्प्ट करने की आदत डालिए, तब मजा आएगा। क्योंकि मैथ और रीजनिंग बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकती, बिना मेहनत के नहीं हो सकती। आप जीएस रट सकते हैं, काम चल जाएगा, लेकिन मैथ और रीजनिंग रट के नहीं हो सकता, ये जिंदगी में कभी नहीं होगा, याद रख लीजिएगा इस पॉइंट को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल था, जस्ट एग्जाम में आया ये सवाल, तो अधिकतर लोगों को बहुत दिक्कत हुई इसको सॉल्व करने में, उतना हार्ड तो नहीं है कि गलत हो जाए लेकिन समय लगा। जैसे देखिए सवाल ने क्या कहा है, M A I N T A I N E R, इनको लिखा गया है, क्या लिखा गया भाई, तो देखिए A C O है ना, उसके बाद L D W Q T G और P, ये लिखा गया। देखिए मैं सवाल थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं कि आपको दिखाई देगा, ये चलिए अब आपको दिखाई देगा सवाल, वो आप ढक गया था, मैं फिर से बना दे रहा हूं। चलिए मेंटेनर M A N T A I N E R, इसको लिखा गया K C O L D W Q T G T, और पूछा गया है W A T E R B O R N E, इनको क्या लिखा जाएगा यही बताना है। देखिए दोस्तों अब इस अगर आप काम करेंगे तो ये सवाल बहुत ही मजेदार सवाल है। देखिए ध्यान से, कोई डिकोडिंग का ये पैटर्न बहुत कम लड़कों को मालूम होता है, 9 2 11
ठीक है, एक और दो तीन और 13 और 2 15। देखिए इन सभी में प्लस टू हुआ है, क्या हुआ है प्लस टू, ठीक है। अब देखिए 14 2 16 18 2 20 और 5 और 2 7, यहां भी दोस्तों क्या हुआ है प्लस टू हुआ है, ठीक है। देखिए दोनों तरफ प्लस टू हुआ। अब देखिए 9 से, देखिए ये आई है तो 9 से 12 हुआ, 1 से 4 हुआ, 20 से 23 हुआ और 14 से 17 हुआ प्लस 3, क्या हुआ है प्लस 3। देखिए समझ में आ गया होगा, दोनों साइड साइड में तीन तीन में प्लस 2 और बीच वालों में प्लस 3 और लिखा गया है क्रॉस, कैसे लिखा गया है क्रॉस पैटर्न ऐसे लिखा गया है ना, तो ये ध्यान रखना आजकल ऐसे सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जामों में। अब देखिए सेम यही चीज उठा के इधर कॉपी कर दीजिए, तो देखिए शुरू से 3 में प्लस 2 करेंगे, ठीक है, इसी तरह से लास्ट के 3 में देखिए पैटर्न में आपको बता ही दिया था, मैं सीधे सीधे यहां पर काम कर रहा हूं, डब्ल्यू ए टी ई आर बी ओ आर एन ई है ना। अब देखिए शुरू से 3 में प्लस 2, ठीक, लास्ट से 3 में प्लस 2, ठीक है, और बीच वालों को ऐसे और किसके साथ प्लस 3, यही करना है दोस्तों। अब बस फटाफट लिखते जाना है अक्षरों को, तो देखिए 20 में 2 जोड़ेंगे 22 आएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 23 में 2 जोड़ेंगे 25 आएगा, पहले 3 अक्षर हो गए। देखिए वी सी वाई ऑप्शन में आ जाइए, देखिए यहां वी सी यू है तो पहला ऑप्शन तो यही से गलत हो गया, इनका तो काम यही खत्म हो गया। अब देखते हैं और देखिए अब 15 में 3 जोड़े 18 हुआ, ठीक है, 2 में 3 जोड़े 5 हुआ, इसी तरह से 18 में 3 जोड़ा 21 हुआ और 5 में 3 जोड़ा तो 8 हुआ। इतने तक मैं चेक कर लीजिए, देखिए आर ई यू एच आर ई यू एच, यहां देखिए वी आ गया है, ये वी है, इस वजह से ये भी गलत हो गए, इनका भी काम खत्म, ऑप्शन डी भी खत्म हो गया। अब देखिए जो बचा है उसको देख लिया जाए, 5 2 7 14 2 16 और 18 और 2 20, जीपीटी, देखिए यहां पर जीपीटी दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना है, पैटर्न क्या था कि शुरू के 3 में क्रॉस, अंत के 3 में क्रॉस और बीच वाले में क्रॉस प्लस 3, साइड साइड में प्लस 2, यही सीक्वेंस था। ध्यान रखना दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के आजकल के सवाल बहुत ही हार्ड आते हैं, हल्के फुल्के सवाल नहीं आते, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये सवाल आजकल बहुत परेशान करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट अगले प्रश्न पर, उम्मीद है ये सब समझ में आ रहा होगा, जल्दी से यहां चलेंगे। ये देखिए दोस्तों ये सवाल अपने सामने है, एक कथन आपको दिया गया है और उससे जुड़ा हुआ निष्कर्ष दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए एक कथन आपके पास है और उसी से जुड़ा हुआ निष्कर्ष भी दिया हुआ है। कथन क्या है देखिए, कथन कह रहा है, कथन देखा जाए, देखिए ये रहा कथन हमारा, कथन कहता है एक रिपोर्ट कहती है कि भारत सांस्कृतिक विरासत के मामले में सबसे अच्छे देशों में से एक है, मतलब एक रिपोर्ट है जो कह रही है कि सांस्कृतिक विरासत यानी कल्चरल जो हमारे पास पुरानी चीजों की एक कह सकते हो म्यूजियम टाइप्स या जो इकट्ठी करने की जगह है उसमें भारत दुनिया के कुछ देशों में से एक है, यानी कुछ देश ऐसे भी हैं जहां बहुत बढ़िया विरासत है, उसी में से एक कौन है, भारत भी है, ये ध्यान देना, और देशों में एक भारत भी है ये कहा गया है, ऐसा नहीं कहा गया कि भारत ही है, और देशों में भारत भी एक ऐसा देश है जिसके पास अच्छी सांस्कृतिक विरासत है, ये बात उसने बोली है। अब आते हैं निष्कर्ष पर, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, देखिए दोस्तों हमारा पहला निष्कर्ष आपके सामने दिखाई दे रहा है, निष्कर्ष नंबर एक को चेक करिए, ये कह रहा है भारत के लोग अगली पीढ़ी तक सांस्कृतिक प्रथाओं के अच्छे वाहक थे, मतलब भारत के जो पुराने लोग थे वो अपनी अगली पीढ़ी को सांस्कृतिक चीजें अच्छे से देते थे, अच्छे से पहुंचाते थे। तो बताना है दोस्तों कि क्या ये इस पर सेट होगा, ध्यान देना दोस्तों, जब वो अगली पीढ़ी को देंगे
तभी तो हमारे पास सही से वो सेट होगा, विरासत होगी उसकी। चीजें बात है, हमको पहुंचाते ही नहीं, उसके बारे में जानकारी ही नहीं देते, तो हम कैसे जाने कि वो क्या है हमारे भविष्य में, हमारे हमारे प्राचीन समय में क्या था, हमारे भूतकाल में हमारे बाबा परदादा बहुत सारे लोग जो जिंदा होते थे उनके यहाँ क्या क्या मनाया जाता था, अगर वो हमको न बताते तो हमको कैसे पता चलता। तो ध्यान में दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे जो पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो अपनी पुरानी चीजों के बारे में हमको बताते थे, जिससे कि हम उनके बारे में जानकारी रखते थे और हमको पता रहता था कि हाँ इस समय ऐसा मेला लगता था, इस मेले में ऐसा होता था, वो समझाते थे तो हमको याद रहता था, है ना। तो ध्यान देना, पहली बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि वो बताते थे तभी उसकी नॉलेज हमको है और फिर वो विरासत हमारे पास मौजूद है। और दूसरा कहता है, सांस्कृतिक विरासत के मामले में भारत किसी भी अन्य देश की तुलना में बेहतर है। अन्य देश की तुलना में बेहतर यानी भारत सबसे पहले है और बाकी सब इसके बाद हैं, ऐसी बात ऊपर नहीं कही गई थी। बात ऊपर क्या रही गई थी कि अन्य देशों में से एक भारत भी है, भारत भी है और भारत ही है, दोनों में बहुत अंतर है। तो भारत भी है कहा गया है, और जब ये कह रहा है कि नहीं भारत ही है, इस वजह से मैटर क्या हो गया, दूसरा वाला, दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया, पहला निष्कर्ष सही जा रहा है। तो हम कहेंगे सर पहला पूर्वानुमान जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए दोस्तों, ये सब मेंटल एबिलिटी के सवाल हैं, दिमाग जितना अच्छा चलेगा उतना अच्छा आंसर आएगा, दिमाग नहीं चलेगा नहीं समझ में आएगा, सीधी सी बात जान लीजिए बेटा, और कोई इसमें वो नहीं होता। आगे बढ़ेंगे तुरंत अगले सवाल पर बिना समय गंवाए हुए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रहा ब्लड रिलेशन का सवाल है, जल्दी से इसका जवाब दे देना है और फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए सवाल क्या है, रूप की मां पवन की बहन और मनो की बेटी है। देखिए भैया, रूप की मां पवन की बहन और मनो की बेटी है, ठीक है ना। तो पहले इसका डायग्राम बना लिया जाए। देखिए दोस्तों, रूप ये हो गए, इनकी माताजी, ठीक। अब देखिए, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए स्टार, ठीक है ना। तो जहां स्टार बना होगा वो लड़की, जहां प्लस बना होगा वो लड़का। आगे बढ़ते हैं, रूप की मां पवन की बहन है। देखिए, रूप की मां जो है वो किसकी बहन हो गई, पवन की, है ना, पवन की बहन है और मनो की बेटी है। तो यानी मनो ऊपर हो जाएंगे, ये हो गए मनु, ठीक है, मनो की बेटी हो गई। आगे बढ़ते हैं, सहजा पवन की बेटी है। देखिए, सहजा जो है वो पवन की बेटी है, यानी पवन की एक बेटी है, कौन, सहजा, और सहजा चूंकि बेटी कही गई है इसलिए ये एक महिला हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पवन की बेटी है और तवन की बहन है। देखिए, तवन की बहन है, यानी सहजा का एक भाई है जिसका नाम है तवन, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। पूछा गया है मनो और तवन के बीच क्या रिश्ता है, मनो और तवन के बीच क्या रिश्ता है। तो देखिए दोस्तों, मनो यहां पर हैं, तवन यहां पर हैं, देखा जाए तो तवन के पिता हुए पवन और पवन के पिता हुए मनो, तो पिता के पिता कौन हुए, दादाजी, कौन हुए, दादाजी, दादाजी का मतलब ग्रैंडफादर, कौन हुए, ग्रैंडफादर। क्योंकि देखिए, तवन यहां था, तवन के पिता हुए पवन और पवन के पिता हुए मनो, यानी कि कौन हुए, दादाजी, ठीक है ना, दादाजी सही आंसर होगा दोस्तों इस प्रश्न का, यही बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तुरंत अगले प्रश्न पर हम लोग, अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर यह देखिए पूछा गया है, प्रश्न है, ठीक है, एक सीज आपके सामने बनी हुई है, देखिए, YXVT? और है JH, ठीक है दोस्तों, बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। अब देखो दोस्तों, अगर इनका रिलेशन निकालें तो -1 का रिलेशन है, इनका रिलेशन निकालें तो -2 का रिलेशन है, इनका रिलेशन निकालें तो -2 का रिलेशन है। देखिए दोस्तों ध्यान से, -1 -2, वहां -2 है, तो सीधी सी बात है बीच वाले में रिलेशन क्या होना चाहिए,
माइनस वन होना चाहिए, तभी तो सीरीज बनेगी कि माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू, तभी तो सीक्वेंस बन पाएगा। अब अपने विकल्प में आइए और खोजिए किसमें है। तो देखिए अगर इसमें देखा जाए तो यस का मतलब 19 है और ओ का मतलब 15 है, यानी यहां माइनस 4 है ना दोस्तों। इसी तरह से देखिए यहां पर ये 16 है, ये 14 है, यहां पर रिलेशन माइनस 2 का है, ठीक है। और इसी तरह यहां देखेंगे तो यहां पर रिलेशन 20 और 18 का हुआ, यानी कि ये भी माइनस 2 का है, और यहां देखेंगे तो यहां पर अंतर माइनस 1 का है। तो कौन सा सटीक है? माइनस 1 वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसको रख दिया जाए तो ये सीरीज सेट हो जाएगी, यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ठीक दोस्तों, पॉइंट समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ये भी एक सीरीज का सवाल था, अल्फाबेट सीरीज का सवाल, जहां एक ही टर्म बार बार रिपीट होता है, जैसे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसे चलता है, या फिर माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू, ये बार बार चलता चला जाता है। तो देखिए जैसे यहां पर माइनस वन माइनस टू फिर से माइनस वन आएगा और तब माइनस टू आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे तुरंत बिना समय लगाए हुए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 9। बताना है कौन सा असंगत है या कौन सा भिन्न है। देखिए असंगत अक्षर समूह ज्ञात करें, असंगत अक्षर समूह ज्ञात करें, ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं। बताना है कौन सा असंगत है। तो देखिए दोस्तों मैं चारों को यहां बना ले रहा हूं, ए ई यू वाई, ये पहला हो गया, ठीक है। अगला है एफ ए टी वाई, दूसरा हो गया एन पी टी वी, तीसरा हो गया और चौथा हो गया ए डी एन पी, ये चौथा हो गया, ठीक है दोस्तों। इन चारों में बताना है कौन भिन्न है। तो देखिए सबसे पहले इनका रिलेशन निकाला जाए, इनमें है प्लस फोर, इनमें है प्लस फोर, ठीक है दोस्तों। देखिए इधर प्लस फोर, इधर भी प्लस फोर, इसी तरह यहां देखिए यहां पर है प्लस फाइव, यहां पर भी है प्लस फाइव। देखिए यहां प्लस फोर था, ठीक है, यहां प्लस फाइव था, यहां देखा जाए तो यहां पर है प्लस टू प्लस टू। देखिए दोस्तों यहां भी दोनों में समान रिश्ता है, देखिए जो रिलेशन यहां है वही रिलेशन यहां है, इसी तरह से जो रिलेशन यहां है वही रिलेशन यहां है, यहां भी वही हाल है। अब देखा जाए यहां पर तो एक से चार प्लस तीन है और 14 से 16 प्लस टू है। देखिए यहां पर रिलेशन चेंज हो गया और रिलेशन चेंज होने की वजह से यही ग्रुप से क्या हो गया, अलग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहां नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पर और कुछ हो सकता है जिसका दोनों का रिलेशन सेम टू सेम हो, तभी वो मान्य होगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है दोस्तों। इस वजह से ये विकल्प ही गलत है, अलग है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों बिना समय गवाए हुए, अगला प्रश्न हम लोगों की स्क्रीन पर, ये रहा एक सवाल, बोला गया है कथन और निष्कर्ष का सवाल है ये भी। इसमें एक बात कही गई है, बताना है क्या होगा। जैसे इसने बोला है कथन, देखिए दोस्तों कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है क्या रेलवे को अपने बुनियादी ढांचे में सुधार करना चाहिए, रेलवे को अपने बुनियादी ढांचे में सुधार करना चाहिए, यानी जो बेसिक इसके स्ट्रक्चर्स हैं क्या उसमें बदलाव करना चाहिए। निष्कर्ष पूछ दिया गया है, पहला निष्कर्ष कहता है कि हां भैया, एक तर्क के जैसे दिया गया कि हां यह, देखिए ये निष्कर्ष नहीं है, ये निष्कर्ष दरअसल गलत टाइप हुआ है यहां पे, ये तर्क है। ये क्या है भैया? तर्क है, ठीक है ना। देखिए पहला तर्क क्या है, हां यह अधिक यात्रियों को आकर्षित करता है। भैया यहां तो कोई स्कीम की बात ही नहीं हुई, तो आकर्षित करना कहां से आ गया, यहां कोई स्कीम की बात नहीं हुई, इसलिए आकर्षित करने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो पहला कथन यानी तर्क गलत है। दूसरे पर आ जाओ, दूसरा कह रहा है नहीं, यह टिकट किराए में वृद्धि कर देगा, यह टिकट के किराए में वृद्धि कर देगा। भैया ऐसी भी कोई बात यहां नहीं उठी, पैसे कोई लेन देन की बात ही नहीं हुई, तो यह भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखिए दोस्तों ये दोनों के दोनों तर्क गलत हो गए, यानी हम कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी
कोई भी तर्क मजबूत नहीं है, कोई भी तर्क मजबूत नहीं है, और वही हमारा सही आंसर होगा दोस्तों कि ये कोई भी तर्क मजबूत नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, पॉइंट की बात कोई नहीं कर रहा, यहां बुनियादी ढांचे की बात हो रही थी और ये लोग पैसों की बातें कर रहे हैं, इसलिए मामला गलत है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी प्रश्न आज का हम लोगों का स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है, बताना है कौन सा भिन्न है। आप सबको पता होगा इंदौर एमपी में आता है, हम सब जानते हैं कि इंदौर कहां आता है भाइयों, इंदौर आता है एमपी में, है ना, इंदौर है एमपी में, इलाहाबाद हम सबको मालूम है यूपी में है, ठीक है ना, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ध्यान रखिएगा ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, और कोझिकोड ये केरल के बगल में दक्षिणी तट का बंदरगाह है, ध्यान दीजिएगा ये बंदरगाह है, इसी को कहा जाता है कालीकट सिटी, इसी को क्या कहा जाता है कालीकट सिटी कहा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। तो देखिए अब इसमें ऑप्शंस में अगर कई लोगों को होता है कि नहीं सर अब इसे सही सही जवाब क्या दें, ठीक है बस ध्यान देना है कि कई लोगों का सर सही जवाब क्या दें। देखो बेटा सबसे पहला अगर रीजनिंग के हिसाब से बात करें, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, जबकि यहां कोई राजधानी नहीं है, तो भैया पहली प्रायोरिटी हमेशा हम लोग देंगे किसको, पहले नंबर पर हमेशा आएगा रायपुर, यह बिल्कुल सही जवाब होगा, यह ध्यान रखना है क्योंकि यही इकलौता इसमें से कोई राजधानी है और कोई भी इसमें से राजधानी नहीं है, शहर है लेकिन राजधानी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। और अगर वहीं देखा जाए दोस्तों, अगर वहीं पर देखा जाए तो कोझिकोड भी हो सकता है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी दूसरे नंबर की होगी, दूसरे नंबर पर आएगा कोझिकोड, क्या आएगा कोझिकोड, क्या आएगा कोझिकोड आएगा, जो कि एक बंदरगाह है और इसमें कोई भी बंदरगाह नहीं है, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमेशा रायपुर ले जाएगा, ध्यान रखना पहली प्रायोरिटी हमेशा कौन लेके जाएगा, रायपुर लेके जाएगा, हमेशा रायपुर को पहली प्रायोरिटी देंगे रीजनिंग में, क्योंकि सर ये एक राजधानी है और कोई भी इसमें राजधानी नहीं है दोस्तों। तो पॉइंट उम्मीद है समझ में आ गया होगा सारी चीजों का। दोस्तों यहां पर हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है, आपको खूब प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सके मेहनत करिए, एफर्ट करिए और खूब सवाल लगाइए, जो सवाल नहीं आते हैं उन्हें कॉमेंट में जरूर भेजिए, आपको जवाब भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, समय से जुड़िए और पूरा पढ़िए, कभी कभी कुछ सवाल बड़े होते हैं जिनमें दिक्कत होती है, लेकिन हिम्मत हार के भागोगे तो सफलता नहीं मिल सकती, मेहनत करो उस पर जरूर आंसर आएगा, ठीक है ना, भागने से काम नहीं चलता, भागने से सफलता नहीं मिल सकती दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इतने के साथ ही मैं अपनी बात कहीं खत्म करता हूं, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए, प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, नमस्कार, फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।